मीना त्यागी फ्रॉम विमेन प्लेनेट। दोस्तों विमेन प्लेनेट पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर मास्क, जी हाँ दोस्तों DIY हेयर मास्क, जिसे रेगुलर लगाने से आपके बाल हो जाते हैं हेल्दी, स्मूथ, सिल्की एंड शाइन भी करते हैं और आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी हेयर मास्क है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए करी लीव्स, दही मतलब योगर्ट और लेमन चाहिए। दही में कुछ करी लीव्स मिला करके हमें उसे ब्लेंड करना है, मिक्सर में मिक्स करना है। तो आपके हेयर लेंथ के अनुसार आप दही का अमाउंट ले लें, जितना लंबा आपका हेयर है तो दही का अमाउंट भी उसी के अनुसार ले लें और इसमें करी लीव्स डालकर हमें इसे मिक्स करना है। उसके बाद लेमन जूस ऐड करना है। तो ये बन गया हमारा पेस्ट दही और करी पत्ता का। अब हम इसमें लेमन को निचोड़ देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस हेयर मास्क को बनाने के लिए दही, करी लीव्स और नींबू ही क्यों लिया है। दोस्तों दही विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारे ड्राई और डैमेज हेयर को रिपेयर करते हुए हमारे बाल को सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाता है और ये डैंड्रफ रिमूव करने में भी हेल्प करता है। दही हमारे बालों के लिए एक अच्छा कंडीशनर है जिसे हम रेगुलर इस्तेमाल करें तो हमारे बाल हमेशा शाइनिंग और स्मूथ दिखेंगे। नींबू मैंने इसलिए लिया है इसमें कि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी होता है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और डैंड्रफ भी रिमूव करता है। करी लीव्स में विटामिन्स मिनरल्स हैं जो हमारे बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने इन तीन इंग्रेडिएंट्स को लेकर के ये हेयर मास्क बनाया है जो हमारे लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे अप्लाई करना है। इस हेयर मास्क को हमें स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है और पूरे हेयर में भी अच्छे से अप्लाई करना है और जब ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही हमें शैम्पू का यूज करके उसे वॉश करना है। अब ये स्कैल्प में और पूरे हेयर में अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसे इस तरह से करके क्लेचर लगा दूंगी। और जब ये अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए, तभी आपको अपना जो भी शैम्पू यूज करते हैं उससे हेयर को वॉश करना है अच्छे से। तो लेट इट ड्राई। मैंने शैम्पू से हेयर वॉश कर लिया है। आप इस हेयर पैक का इफेक्ट मेरे बालों पे देख सकते हैं। मेरे बाल स्मूथ, सिल्की और सॉफ्ट हो गए हैं। ये हेयर पैक 100% नेचुरल और इफेक्टिव है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इस हेयर पैक को वीक में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका असर अपने बालों पर देख सकते हैं। मानसून में बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो ये हेयर पैक आप यूज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और अपने बालों पे आप असरदार इफेक्ट पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? जैसा भी लगा हो अपने कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ ढेर सारे हेयर केयर वीडियोज़। बाय।